सब्सक्राइब करें पशुधन यूट्यूब चैनल को और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पशुपालक भाइयों प्रणाम। पशुधन यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बकरियों में होने वाले एंटेरोटॉक्सिमिया बीमारी के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे पीपीआर बीमारी के बारे में। दोस्तों, भेड़ और बकरियों में ईटी यानी एंटेरोटॉक्सिमिया और पीपीआर यानी पेस्टिस डी पेस्टिस इन रूमिनेंट्स, ये दो सबसे बड़े और सबसे घातक रोग होते हैं। आज बात करेंगे पीपीआर की। दोस्तों, पीपीआर कितनी घातक बीमारी है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह रोग वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ यानी ओआई द्वारा मॉनिटर किया जाता है और ये इस संस्था के लिस्ट ए रोगों की सूची में शामिल है। इस सूची में उन रोगों का नाम होता है जो बड़ी तेज़ी से फैलते हैं और बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान करते हैं। दोस्तों, अकेले भारत में पीपीआर की वजह से साल भर में तकरीबन 600,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो चलिए ऐसी घातक बीमारी के बारे में ज़्यादा जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे ये बीमारी होती क्यों है। दोस्तों, पीपीआर एक विषाणु जनित रोग है यानी एक वायरल डिसीज़ है। वायरस की वजह से ये रोग होता है और इसीलिए इस रोग का इलाज वैसे मुश्किल होता है, तकरीबन नामुमकिन होता है। किसी भी वायरल रोग का इलाज करना वैसे नामुमकिन होता है क्योंकि वायरस जीवित ही नहीं होते, जिंदा नहीं होते, इसलिए हम इसको मार नहीं सकते। ये शरीर में आते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद इसका जो वायरुलेंट होता है, जो उसकी ताकत होती है, वो कम हो जाती है। इस दौरान हमें इन बकरियों को बचाना पड़ता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे इस रोग का फैलाव कैसे होता है। दोस्तों, यह रोग एक बकरी से दूसरी बकरी को बड़ी तेज़ी से होता है। बीमार बकरी का संपर्क अगर हेल्दी बकरी से हो जाए तो तुरंत ही हेल्दी बकरी भी बीमार हो सकती है। लगभग हर वो बकरी जो बीमार बकरी के संपर्क में आती है उसे पीपीआर होता है और इसमें मृत्यु दर 40 से 80% तक होती है। यानी 100 बीमार अगर बकरियां हैं तो उसमें से 40 से 80 बकरियां मर सकती है। दोस्तों, अब बात करेंगे इस रोग के लक्षण के बारे में। दोस्तों, पीपीआर के विषाणु बकरियों के शरीर में जाने के बाद तकरीबन 8 से 10 दिनों के बाद बकरियों में लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। यानी यहाँ आप एक बात समझिए, अगर बकरियों में आज लक्षण दिख रहे हैं तो इसका मतलब 8 से 10 दिन पहले ही उसको पीपीआर हो गया है। तो लक्षण क्या क्या दिखते हैं? लक्षण में दिखता है तेज़ बुखार, 106 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार चला जाता है। आँख और नाक से शुरुआत में पानी आना शुरू हो जाता है। बकरी की मुंह, बकरी की जीभ, इन पर छाले पड़ते हैं और बकरियों को दस्त शुरू हो जाते हैं। गाभिन अगर बकरी है तो उसका गर्भपात भी हो सकता है। ये सब लक्षण पीपीआर ग्रसित बकरियों में दिखते हैं। बकरियों में जो लक्षण दिखते हैं वो भेड़ों की मात्रा में ज़्यादा प्रखर होते हैं और भेड़ों में कम मौत होती है, कम उसके लक्षण भी ज़्यादा, उसकी प्रखरता उतनी ज़्यादा नहीं होती। दोस्तों, अगर बीमार बकरी का इलाज नहीं किया तो बकरियों के जो मुंह पे है वो सूजन बढ़ जाती है। बकरियां कुछ खा पी नहीं सकती। आँख और नाक से गाढ़ा चिपचिपा और पीला स्त्राव निकलने लगता है। दस्त की वजह से बकरी कमज़ोर होती है और अंत में बकरी की मौत हो जाती है। दोस्तों, अब बात करेंगे उपचार की। दोस्तों, जैसे हमने अभी बात की कि पीपीआर रोग का इलाज नहीं हो सकता, पर जब पीपीआर रोग होता है तो हम जीवाणु जनित द्वितीय संक्रमण ना हो इसलिए इलाज करते हैं। इसके अलावा हम अगर इलाज करते हैं तो बकरी में ताकत बनी रहेगी और पीपीआर से लड़ने की उसको ताकत मिलेगी और बकरी हमारी जिंदा रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो उपचार में आप एंड्रोफ्लॉक्सेसिन नाम का एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी द्वितीय संक्रमण नहीं होगा। इसके अलावा बुखार के लिए आप मेलोक्सिकैम और पैरासिटामोल दवा दे सकते हैं जिससे बुखार कम होगी और जो मुंह के छाले हैं, मुंह की सूजन है, वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। दोस्तों, मुंह के छाले के लिए आप पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ दाने पानी में घोलकर इस पानी से आप बकरियों का मुंह धो सकते हैं और मुंह को फिर बोरोग्लिसरीन लगा सकते हैं ताकि मुंह के छाले जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दस्त के लिए आप
दस्त की दवाइयाँ दे सकते हैं। दोस्तों ये सब दवाइयाँ आप डॉक्टर के सलाह से ज़रूर दें, खुद ही ना इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की, यानी प्रतिबंध की, कंट्रोल की। दोस्तों पीपीआर का इलाज करना बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए प्रतिबंध एकमात्र और समाधानकारक उपाय है। प्रतिबंध को हम दो महत्वपूर्ण हिस्से में बांट सकते हैं, पहला है व्यवस्थापन और दूसरा है टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। तो पहले बात करते हैं व्यवस्थापन की। दोस्तों पीपीआर के विषाणु लगभग 60 डिग्री सेल्सियस को 60 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं, पर अल्कोहल, ईथर, कोई भी डिटर्जेंट या कोई डिसइंफेक्टेंट के संपर्क में आने से तुरंत मर जाते हैं। इसीलिए अगर आपके फार्म पर पीपीआर आया है तो फार्म को अल्कोहल, ईथर, डिटर्जेंट या अन्य किसी डिसइंफेक्टेंट से साफ करें, ताकि ज़मीन पर जो विषाणु है वो मर जाए। दोस्तों बकरियों के पानी में आप पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नई बकरियां आप फार्म पर लाते हैं तो उन बकरियों को कम से कम 15 से 20 दिन तक जो पुरानी बकरियों के साथ ना रखें, उनको अलग रखें, और 15 से 20 दिन के बाद अगर यदि बकरियां स्वस्थ है तभी आपके फार्म पर उन नए बकरियों को मिक्स कर सकते हैं। पीपीआर से जिन बकरियों की मौत हुई है उन बकरियों को खुले में ना फेंकें, ज़मीन में एक गड्ढा कर बकरियों को उसमें गाड़े, और गड्ढे में आप नमक और डिटर्जेंट डाल सकते हैं ताकि विषाणु मर जाए। दोस्तों तो ये थे कुछ व्यवस्थापन की बातें, अब बात करते हैं टीकाकरण की। दोस्तों टीकाकरण, हम पीपीआर को अगर जड़ से मिटाना है तो टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। तो टीकाकरण हर भेड़ और बकरी को करना ज़रूरी है। हर 4 महीने से बड़ी भेड़ हो या बकरी हो, पीपीआर का टीका लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ बकरियां रह जाती है तो फिर उनसे इन्फेक्शन फैल सकता है। एक बार टीका लगाने के बाद उस बकरी या भेड़ को अगले 3 साल तक पीपीआर का टीका लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पीपीआर का टीका बकरी के खाल के नीचे 1 ml देते हैं, यानी 1 ml सबक्यूटेनियस इसका डोस है। दोस्तों टीके के अच्छे परिणाम के लिए टीका देने से 15 दिन पहले बकरी को डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दे, और 1 दिन पहले विटामिन ई और सेलेनियम का इंजेक्शन मिलता है वो भी 1 ml इंट्रामस्कुलर दे। और टीकाकरण के बाद 15 दिन तक बकरियों को किसी भी प्रकार के तनाव से मुक्त रखें। दोस्तों अगर बकरी एडवांस प्रेग्नेंट है, यानी जिसको ब्याने में सिर्फ 1 महीना बाकी है, ऐसी बकरियों को पीपीआर का टीका ना दे। ब्याने के बाद आप उसी बकरी को टीका दे सकते हैं, पर अगर आप अपने बकरी को 4 महीने की उम्र में पहला टीका देते हैं तो फिर अगले 3 साल तक इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये समस्या आपको नहीं आ सकती। तो दोस्तों ये था हमारा पीपीआर पर एक छोटा सा वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने पशुपालक बकरी पालक दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो बेल आइकन भी दबाइएगा। कोई बात मुझसे रह गई हो, गलत बोली हो मैंने, या कुछ आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।